हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बर एक विषय हिंदी में पाठ बीस का नाम है झांसी की रानी। इस कविता का मैं चार पंक्ति कविता अर्थ लिखवा चुकी हूँ। कल मैं पांचवा पंक्ति कविता लिखवा चुकी हूँ। आज इसका अर्थ मैं लिखवा रही हूँ, इसे आप लोग लिखिए।
पांचवा पंक्ति कविता कक्ष में बोर्ड पर लिख दी थी, आप लोग ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी बाई के झांसी आने पर वहाँ के राजमहल में प्रशंसा का प्रकाश फैल गया तथा वहाँ सौभाग्य का उदय हो गया, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। वह चुपचाप काली घाटा की तरफ विपत्ति को बुला लाई। उस तीर तलवार चलाने वाली रानी के हाथों में चूड़िया भरा कप अच्छी लगने वाली थी। रानी विधवा हो गई, सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि राजा बिना किसी संतान के ही मरे। रानी के हृदय में शोक समा गया। कवित्री कहती है कि यह कहानी हमने बुंदेलखंड के भाटों के मुँह से सुनी थी। झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ खूब लड़ी, इसलिए अब जब मुझके राजा मर गए तो कोई नहीं था, वही मर्दों की तरह शुरू से ही लड़ते आए थे, लेकिन पार्वती को क्या संघर्ष, फिर उसको वही काम करना पड़ा जो पहले कर चुकी थी। अब उनको फिर अपना बागोर संभालना पड़ा, अंग्रेजों के साथ खूब लड़ी और लड़कर अंग्रेजों को देश से बाहर भगाया। और इतनी वीर बहादुर और इस तरह आप लोग भी लक्ष्मीबाई की तरह बनिए। तुम मन जाएगा पढ़े इस कविता का अर्थ लिख लीजिए और जितना भी कविता पांच पंक्ति कविता अर्थ लिखवा दिए सब एक एक करके याद कर दीजिए। तुम मन जाएगा पढ़े आज के वीडियो। इतने ओके, धन्यवाद।